हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल टेस्टी फूड विथ रुमा में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक नए फ्लेवर की चिली गार्लिक इडली। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम रवा यानी कि सूजी 2 कप ली है, इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे धीरे आंच पे कुछ देर ही रोस्ट करना है, ना ही इसका कलर हमें चेंज करना है, ना ही हमें इसे ज़्यादा पकाना है। बस इसे ड्राई रोस्ट करते रहिए और चम्मच चलाते रहिए धीरे आंच पे, ये तुरंत हो जाएगा। बस ये हो चुका है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे किसी बाउल में निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब हम इसमें मिलाएंगे हमारा 1 कप दही। ये खट्टा दही लिया है मैंने और इसमें मिलाएंगे थोड़ा पानी। और पानी और दही को मिला के इडली का हम बैटर रेडी करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा पानी और भी डाल लो। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर वाली इडली बनेगी, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए ये हमारा बैटर ऐसा हो चुका है, देखिए इतना गाढ़ा है। अब सूजी फूल जाएगी। अब इसे ढक के 10 से 12 मिनट साइड पे रख दीजिए। अब हम इसकी चटनी बनाएंगे जो हम फ्लेवर देने वाले हैं गार्लिक की। इसके लिए मैंने लिया है 10 से 12 कली लहसुन की, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए। अब हम इडली के साथ सर्व करने के लिए कोकोनट की चटनी बनाएंगे। इसके लिए लिया है 1/4 कप फ्रेश कोकोनट, 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 5 से 6 कड़ी पत्ते, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच दही और थोड़ा सा पानी। इसे भी मिला के इसकी चटनी बना लीजिए जो हम इडली के साथ सर्व करने वाले हैं। तो ये कोकोनट की चटनी हमारी रेडी है, इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। अब हम मैंने सारे इडली के मोल्ड में एक एक ड्रॉप ऑयल लगा के ब्रश से इसे ग्रीस कर लिया है। अब हमारे 10-12 मिनट हो चुके हैं सूजी को और देखिए ये रवा भी कितना फूल चुका है, इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने जो इसमें डालेंगे हम नमक हमने चटनी में भी डाला है तो हिसाब से डालिए। और ये जो चटनी बनाई थी लाल मिर्च और गार्लिक की, ये भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इडली का परफेक्ट बैटर रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने डाला है ये 1 चम्मच ऑयल। इसे डालने से इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मैंने ये स्टीमर लगा दिया है इडली का स्टैंड, जिसमें हम इडली स्टीम करेंगे। और लास्ट में हम बिल्कुल डालेंगे इनो फ्रूट सोल का 1 पाउच और इस पर 1 चम्मच पानी, जिससे इनो फटाफट एक्टिवेट होगा। इसे हल्के से मिक्स कर लीजिए इडली के बैटर को और इडली के मोल्ड में 2-2 चम्मच इडली का बैटर भर लीजिए। सारे मोल्ड में इसी तरह से भर लीजिए और थोड़ा टेप कर लीजिए और इसे इडली को स्टीम होने के लिए 8 से 10 मिनट रख दीजिए। हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, ये तुरंत हो जाएगी। देखिए 10 मिनट बाद हमारी इडली कितनी अच्छी लग रही है, इसका कलर भी अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।